हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? देखो, आपको ये तो पता रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं हम, जैसे कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर है ना लाइक कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, व्हाटएवर, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो उसकी अकाउंटिंग करना, उसकी कॉस्टिंग करना ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाता है। अभी पता है क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो वो जो ये पर्टिकुलर जैसे किसी चीज़ का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लाइक उसने कहीं पर है ना एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो उसकी कॉस्टिंग अलग से करती है। वो उसे अपने मेन जो P&L बनाती है उसके अंदर शो नहीं करती है उसे रिलेटेड एक्सपेंसेस और उसे रिलेटेड प्रॉफिट, वो उसकी कॉस्टिंग अलग से करती है। तो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो उस मतलब वो कैसे उसकी कॉस्टिंग करती है। ठीक है, उसके पहले आपको समझना पड़ेगा, लाइक आप पहले मेरे साथ उसके नोट्स नोट कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, देखिए इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखिए फ्रेंड्स ये आपके कॉन्सेप्ट क्लास है, एग्जाम में आप इसको रिवाइज करके भी चले जाएंगे तो दैट इज इनफ, और क्वेश्चंस आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आफ्टर एग्जाम में आप इसकी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि क्या है इसके अंदर। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वी विल फाइंड P&L प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एवरी कंस्ट्रक्शन। पता है क्या एक चीज होती है इसमें, लाइक आपके तीन चार कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तीन चार, लाइक आपने एक तरफ बिल्डिंग का भी चल रहा है, एक तरफ आपका है ना ब्रिज का भी चल रहा है, एक तरफ आपका किसी और चीज का चल रहा है, रोड बनाने का चल रहा है, तो सभी की जो अकाउंटिंग होगी, सभी की जो कॉस्टशीट बनेगी, कॉस्टिंग होगी, वो सबकी अलग अलग होगी, सेपरेट होगी, एक साथ कभी भी नहीं करनी है, सब कॉन्ट्रैक्ट्स की अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ, वी विल फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एवरी कंस्ट्रक्शन साइट सेपरेटली ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ अ पर्टिक्यूलर फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट। सो कंप्यूट विल बी ट्रांसफर टू कंपनी P&L अकाउंट। फिर वो प्रॉफिट जो होगा वो डायरेक्ट कंपनी के P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो गया हमारा पॉइंट नंबर टू। ये क्या, देखो अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे अभी अपन नॉर्मल अपन लोग हैं, ठीक है, अपन ने हमारे घर में एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो हम लोग क्या है, हम कॉन्ट्रैक्टी है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हम कॉन्ट्रैक्टी हुए, और हमने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर हुआ। ठीक है, तो इसमें टू पर्सन होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। पता चल गया ना कौन कॉन्ट्रैक्टर होता है और कौन कॉन्ट्रैक्टी होता है। और इसमें तीन अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, एक बनता है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और थर्ड बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन चीजें बनानी है, हमारा चैप्टर खत्म है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, ताकि आपको इसका फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए जैसे क्या होता है, हमने, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि हम बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं हम। ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, हमें है ना ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे कॉन्क्रीट लगेगी, लेबर लगेगी, बहुत सारी ऐसे रॉ मटेरियल चीजें लगेगी। तो जैसे सपोज करो इसका जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल आया 10 लाख का, फॉर एग्जाम्पल। तो हम मटेरियल कहाँ लिखेंगे, खर्चे जो भी होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल। अच्छा, अभी एक बात और बताती हूँ, इसी मटेरियल से रिलेटेड क्या हुआ कि है ना हमारा जैसे 10 लाख का मटेरियल आया, अब इससे हमारा चल रहा है। ठीक है, और मेरी जो लेबर लग रही है उसको बनाने के लिए, मेरी वो लेबर लग रही है 2 लाख की, फॉर एन एग्जाम्पल।
चलो भाई ठीक है, अब नेक्स्ट मैं और उसमें क्या कर सकती हूँ। अब क्या होता है कि जैसे अभी मेरा मटेरियल 10 लाख का आया, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि मेरा सारा मटेरियल यूज में आ गया। नहीं, मेरा कुछ मटेरियल होगा जो कि है ना मेरे पास स्टॉक में रह जाएगा, सारा मटेरियल यूज नहीं आएगा। तो जो मटेरियल स्टॉक में रहेगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। सपोज करो मेरा जैसे मटेरियल रहा, मैं फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का मेरा मटेरियल रह गया, ठीक है। चलो भाई ये वाली चीज भी इसमें, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अच्छा अब क्या हुआ कि मैंने ना मेरा जो मटेरियल था ना, उस मटेरियल में से कुछ मटेरियल है वो ट्रांसफर कर दिया मैंने, हमारी ही जैसे लाइक ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पे। मेरे 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, मैं 2 बिल्डिंग बना रही हूँ। एक बिल्डिंग का जो मटेरियल था जो मेरे पास था वो मैंने अब दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया, तो नेचुरल है यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कम नहीं करूंगी कॉस्ट को, क्योंकि 10 लाख का मटेरियल में से जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मैंने 50,000 का मटेरियल ट्रांसफर किया, तो मैं यहाँ 50,000 कम नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय रॉ मटेरियल ट्रांसफर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50,000। अच्छा और क्या चीज होती है? अच्छा एक चीज ये भी हो सकती है कि है ना मैंने क्या हुआ, बीच में मेरे पास कोई आया क्लाइंट, मैंने उसको मेरा मटेरियल बेच दिया, ठीक है। जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मेरा जो मटेरियल था वो था, उसकी कॉस्ट जो थी वो थी 50,000 की, ठीक है, और मैंने उसको सेल करा 60,000 रुपए में, क्योंकि मैं अपना प्रॉफिट तो देखूंगी ना, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 10,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो मेरा जो अच्छा अब जैसे मेरा जो मटेरियल था वो 50,000 का था, मैंने 60,000 में बेचा, तो मैंने जो बेचा मुझे कितना पैसा मिला? 60,000 रुपए मिला। तो मैं, मेरे को पैसा जो मिलेगा वो मैं इधर लिख दूंगी बाय बैंक करके, ये मेरी सेल थी 60,000 रुपए की। अच्छा अब मेरे को एक बात और बताओ, ये जो सेल थी 60,000 रुपए की, बट इसकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे ऐसे करती हूँ मैं, इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे जो बुकड है कॉस्ट, वो उसकी कॉस्ट कितनी बुकड है? 50,000 ही बुकड है। 50,000 के अगेंस्ट में मेरे को 60,000 रुपए मिले, यानी कि इसकी कॉस्ट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 60,000 करना पड़ेगा, तो मैं 10,000 से यहाँ पर इसकी कॉस्ट को बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 P&L करके शो करूंगी इसकी कॉस्ट को, ताकि इसका नलीफाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका हमारे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 10,000 का प्रॉफिट मिल गया है तो हमने इसको बुक कर लिया है, ठीक है, बाकी नलीफाइड हो जाएगा, क्योंकि 50,000 इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है, 10,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया और इधर मैंने 60,000 रुपए में उसको बेच दिया। चलो भाई और मैंने और क्या हो सकता है इसके अंदर? अच्छा अभी एक चीज और हो सकती है, एक चीज और ये क्या हो सकती है, जैसे है ना सपोज मतलब बारिश आ गई और है ना बारिश आ गई और नुकसान हो गया, ठीक है, बारिश आ गई मतलब हमारा जो मटेरियल बाहर पड़ा हुआ था वो भीग गया, उससे नुकसान हो गया, तो ये कौन सा लॉस हो गया हमारा? एबनॉर्मल लॉस। तो इसको भी मेरे को बुक करना पड़ेगा बाय एबनॉर्मल लॉस करके, सपोज करो 10,000 का था वो। अच्छा आपको एक चीज बताती हूँ मैं, देखो लॉसेस जो होते हैं ना, मैं यही बता देती हूँ, लॉस जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे अराइज होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉर्मल कॉस्ट, वो यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे क्योंकि वो इसके साथ ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक अभी जैसे हम क्या बोलते हैं, हम कोई जैसे कुछ भी पानी आ रहा है उससे रिलेटेड, अब पानी रस्ते में थोड़ा ढूल रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, ठीक है। बट नॉर्मल लॉस वो वाले लॉस होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बाहर मेरा कोई मटेरियल पड़ा हुआ था, बारिश आ गई, मैं उस मटेरियल को चाहती हूँ, मुझे पता है कि मौसम बारिश का हो रहा है, तो मैं उस मटेरियल को प्रोटेक्ट कर सकती थी, या तो उस पर कवरिंग कर सकती थी, या उसको ऐसे प्लेस पे करती जहाँ पे बारिश नहीं पहुंच पाए, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकती थी, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको मैं फिर यहाँ पे शो करूंगी। 10,000 का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि भाई इतना हुआ है। अच्छा और इसमें और क्या खर्चे हो सकते हैं? लाइक इसमें और जैसे ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, ओवरहेड जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख का हो गया। अच्छा भाई अभी इसमें मशीनरीज वगैरह यूज होती है, तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हुआ 50,000 का, ठीक है। तो ये मैंने सारे एक्सपेंसेस बुक करे। अच्छा अभी एक बात और बताती हूँ। अच्छा अब क्या हुआ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी है। अच्छा अभी एक चीज बचेगी हमारा कि अब देखो अब क्या है, आपको एक चीज बताती हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट चलता है ईयर बाय ईयर, बहुत लंबा चलता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ उसका, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, 1 अप्रैल 2015 को हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ईयर एंड होता है 31/3/16 को, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एंड होता है हमारा 31/3
17 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डेट फॉर एन एग्जाम्पल मैं 31 जुलाई ले लेती हूँ 2017, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना चलना है, हमारी इतनी बात हुई थी, हमारी इतनी डील हुई थी। बट अब जैसे मेरा एंड ईयर एंड यहाँ पे होगा तो मुझे एक साल की वो बनानी है, एक साल की मुझे वो बनानी है, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से रिलेटेड यहाँ तक का वो लूंगी सारी चीजें। अच्छा अभी एक बात बताऊँ, यहाँ से रिलेटेड यहाँ में अभी क्या होगा कि अब पैसे मिलने की बात रही, सेल की बात रही कि भाई कितना पैसा आएगा। अब क्योंकि अब जैसे हमारा काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम कर रहा है तो मुझे उसको नेचुरल कि पैसे देने हैं, ठीक है, तो मैं जो उसको जो पेमेंट मिलनी है तो वो पेमेंट किस बेसिस पे लेगा, किस बेसिस पे, तो उसके लिए क्या होता है कि हमेशा ना कॉन्ट्रैक्टर में और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, इन दोनों के बीच में ना हमेशा डिस्प्यूट रहता है इस बात को लेकर। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर हमेशा ये चाहेगा कि उसको पूरा फुल अमाउंट मिले, भाई जितने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा का पूरा पैसा मिल जाए, वो हमेशा ये चाहेगा। और कॉन्ट्रैक्टिंग हमेशा ये चाहेगा, मतलब अपन लोग हमेशा ये चाहेंगे कि हम कम पैसा दे, हम क्यों पूरा पैसा दे। तो इस डिस्प्यूट के लिए ये जाते हैं एक प्रोफेशनल के पास में, ये प्रोफेशनल इनकी इस बात का सोल्यूशन करता है, ये बोलता है कि भाई आप ऐसा करो इस दिन तक जितना काम आपका कंप्लीट हो गया आप उतना पैसा ले लो, उतना पैसा बुक कर लो, चलो भाई ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक सर्टिफिकेट बनाता है, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट बनाता है ना उसके अंदर वो मेजरमेंट करता है कि भाई कितना काम कंप्लीट हो गया है, उतना परसेंटेज जो रहेगा वो वाला परसेंटेज वो इनको बता देता है कि भाई आपका इतना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया है, इतना परसेंटेज ये सर्टिफाइड कर देता है। इसका मतलब ये हो गया, सपोज करो इसने 40% अभी वर्क सर्टिफाइड किया है, ठीक है, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टोटल मैं मान के चलती हूँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था हमने 50 लाख का दिया था उसको, कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसके अगेंस्ट में हमारी जो वैल्यू क्या बोलते हैं 40% काम हमारा कंप्लीट हो गया, चलो भाई ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना बाय वर्क सर्टिफाइड करके शो करेंगे, बाय वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा 50 लाख का 40%, क्योंकि हमारा जो टोटल 50 लाख का वैल्यू था उसका 40% काम कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स कि हमारा 20 लाख का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारा और क्या बच रहा है, और हमारा बच रहा है, अच्छा अभी एक और क्या होता है कि अब हमारे पास में एक सेकंड, वर्क अनसर्टिफाइड पहले मैं नोट कर लेती हूँ देन मैं आपको बताती हूँ। हाँ क्या होता है कि अब हमारा ईयर एंड हो गया, अब इस ईयर एंड पे हमारे पास कुछ मटेरियल बच जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा सारा मटेरियल खत्म हो गया, तो वो जो मटेरियल बच गया है ना, नहीं सॉरी एक्चुअली सॉरी वो क्लोथिंग स्टॉक अलग है, वर्क अनसर्टिफाइड अलग है। क्या होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये जो हमारा प्रोफेशनल था ना इसने ये जो रिपोर्ट में सर्टिफाइड किया था ये इसने क्या किया 28 मार्च 16 को रिपोर्ट बनाई, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 को, अच्छा अब इसने 28 को रिपोर्ट बनाई, तो 29, 30 और 31 तीन दिन का वर्क है जो कि अनसर्टिफाइड है, वो जो तीन दिन का वर्क है ना वो वर्क अनसर्टिफाइड करके आता है, ठीक है, क्योंकि वो तीन दिन काम तो हुआ है ना, लेकिन हम बुक बना रहे हैं 31 को, इसने सर्टिफाइड किया 28 तारीख को, तो तीन दिन अभी बच रहे हैं ना क्योंकि ईयर एंड 31 और ये बुक हमारी 31 की बन रही है, तो ये जो तीन दिन का वर्क अनसर्टिफाइड है वो आएगा हमारा, जैसे सपोज करो ये सारी अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ समझा रही हूँ कि क्या है ये अनसर्टिफाइड, क्या चीज है, तो ये अनसर्टिफाइड चीज ये होती है, ठीक है। तो ये फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज है, चलो भाई 1 वर्क अनसर्टिफाइड भी हो गया, आपका वर्क सर्टिफाइड भी आ गया, आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें इसमें कवर कर ली है। अच्छा अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अब ये कैसे निकलती है अमाउंट, और फिर बाद में इसके बाद में हमारा रिजर्व्स में कितना पैसा रहेगा ये निकालना है, ये दोनों कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक स्लैब बताती हूँ कि इसके लिए एक स्लैब बनेगा, ठीक है, ये स्लैब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन है तो हम कर सकते हैं। इसको आप एक काम करो, मैंने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए आपके, तीन, थर्ड पॉइंट में मेरा ये एग्जांपल चल रहा है, मैं इसको पॉइंट फोर करती हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये स्लैब ध्यान रहनी चाहिए। अच्छा
जैसे इसमें क्या है, इनिशियली सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जैसे 25% काम कंप्लीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, परसेंटेज कंप्लीशन, ठीक है, और यहाँ पे आएगी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, मतलब कि हमें ये वाली जो अमाउंट निकालनी है ना, ये वाली अमाउंट निकालने के लिए हमको यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी आपको, वो फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे, और वो फॉर्मूले हमें कैसे यूज करने, इसके बेसिस पे कि हमारा कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये जो परसेंटेज कहाँ से आता है हमारे पास, यहाँ से आता है, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई ना कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी जिससे कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी परसेंटेज कितना कम्प्लीट है, जैसे अगर 25% से लेकर, देखो सबसे पहले इनिशियल स्टेज क्या है, सॉरी इनिशियल स्टेज हमारी कुछ भी, हाँ 25 से कम होती है, सॉरी 25% से यदि कम काम कंप्लीट हुआ है तो पीएनएल में बिल्कुल भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज होगी हमारी यदि 25% से काम यदि ज्यादा हुआ, वर्क सर्टिफाइड जो है वो ज्यादा है, और 50% से कम है, 25 से 50 के बीच में, यहाँ पे इक्वल भी आएगा, ठीक है। यदि 25 से 50 के बीच में, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला रहेगा 1/3 ऑफ। अच्छा, अब आपको एक चीज और बताती हूँ मैं, देखो ये जो हमारी टोटल होगी माइनस ये ऑल दीज अमाउंट, जो हमारा प्रॉफिट आएगा ना उसको हम बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं हम उसको, नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस ऑल दीज अमाउंट की टोटल और माइनस ऑल दीज अमाउंट, तो ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट आया, ठीक है। तो नॉशनल प्रॉफिट, दिस इज नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है, 1/3 ऑफ द नॉशनल प्रॉफिट इंटू क्या रहेगा हमारा, कितना हमको कैश रिसीव हुआ डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, जितना वर्क सर्टिफाइड हुआ था, इसने जैसे हमारा 40% वर्क सर्टिफाइड किया, इस 40% वर्क सर्टिफाइड की मतलब कि इसने हमारा 50 लाख का 40% यानी 20 लाख का काम हमारा उस इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया था, इस 20 लाख के अगेंस्ट में उस कॉन्ट्रैक्टिंग ने उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए, कितना कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये हमारा सेकेंड, ठीक है ना। ये वाली जो स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं वर्क परफॉर्मेंस बट नॉट सब्सटेंशियल स्टेज बोलते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये मैं यहाँ पे नोट भी नहीं कर रही हूँ बट मैं आपको बोल रही हूँ वर्बली कि क्या है, ठीक है, हमें मेन इन दोनों चीजों से काम है। नेक्स्ट हमारा होगा 50% से यदि ज्यादा काम हो गया है वर्क सर्टिफाइड लेकिन 90% से कम हुआ है, ठीक है, उस केस में 2/3 लगेगा नॉशनल प्रॉफिट का इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। उसके बाद में है हमारा वर्क जो है वो यदि 90% से ज्यादा हो गया है बट 100% से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए जो चीज होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज यूज होंगे, वो फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे 4 फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर हमारा पूरा 100% वर्क कंप्लीटेड हो गया है तो ये होगा कि जो पूरा का पूरा जो नॉशनल प्रॉफिट होगा ना उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में, किसमें ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक स्लैब रेट्स बताई है। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, अब हमारा पीएनएल देखेंगे, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, हमारा काम कंप्लीट हुआ है 40% कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये किस कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1/3 लगेगा नॉशनल प्रॉफिट का, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नॉशनल प्रॉफिट कितना है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नॉशनल प्रॉफिट आएगा 10,60,000, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है, इसका 1/3 नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 डिवाइडेड बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 20 लाख रुपीज हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ था। मैं सब देखो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि आपको कितना कैश रिसीव हुआ है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 20 लाख मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगी 3×3=9, 3×5=16,
15333 वॉट एवर, मतलब ऐसे करके जो भी आएगा वो फिगर आ जाएगा और आपका बैलेंसिंग फिगर आपके रिजर्व्स में चला जाएगा, जो भी पैसा रहेगा वो रिजर्व्स में चला जाएगा और ये वाला जो आपका अमाउंट रहेगा वो आपका पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये वाला एग्जाम्पल, इससे आपको एक बार का मेनली आइडिया हो गया है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करने अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में पॉइंट नंबर 5। देखो अच्छा एक बात और बताती हूँ मैं आपको, समटाइम्स क्या होगा कि अगर आपको यदि हमें परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, कंप्लीशन का, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको इसका या फिर है ना वर्क सर्टिफाइड का, तो आप कैसे निकालेंगे उसको? निकालने का फॉर्मूला है आपका वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। नेचुरल है आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट 100 है, मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और उसमें से आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है 80, तो आपका 80% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये 80% कंप्लीशन का हो गया। अगर आपको कैश रिसीव का परसेंटेज निकालना है, कैश रिसीव का परसेंटेज निकालने के लिए कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू 100, जितना वर्क सर्टिफाइड है उसमें से आपका कितना कैश रिसीव हो गया, वो आपका कैश रिसीव का परसेंटेज हो गया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और क्या बच रहा है इसके अंदर, हाँ वर्क सर्टिफाइड से रिलेटेड है ये। ठीक है, आप नोट कीजिए, इट इज जस्ट लाइक सेल्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी अपॉइंट अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क कंप्लीशन। सच पर्सन प्रोवाइड प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेट एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड ऑन साइट आफ्टर विजिटिंग द साइट। ये वाली बात मैंने आपको ऊपर समझाई थी, उसी को मैं यहां पे लिख रही हूं ताकि आप भूले ना। ठीक है, दैट कंप्लीटेड वर्क विल बी रिकॉग्नाइज एज सेल एंड शोन एज क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे हमने इसको शो किया था। ठीक है, ये इसी की बात हो रही है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अनसर्टिफाइड का मतलब बता रही हूं मैं यहाँ पे, अनसर्टिफाइड वर्क, ये वाला पॉइंट बता रही हूँ, वर्क अनसर्टिफाइड वाला। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने आपको एक बार का समझा दिया है, बस आप नोट कर लीजिए कि ये क्या है, ताकि आपको एकदम कभी क्लिक ना हो तो आप एटलीस्ट उसको रीड कर सकते हैं। समटाइम प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइड सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑल कॉस्ट इनकर्ड ऑन साइट ऑफर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल पर्सन
is called cost of work uncertified. It is just like closing finished goods. It will be shown in credit side of contract account. ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था. वर्क अनसर्टिफाइड का क्या मतलब होता है, वर्क अनसर्टिफाइड का वो जो मैंने डेटा वाला बताया था आपको एग्जांपल देकर 29, 30 और 31st, तो ये सब. ठीक है, तो एक बार का मैंने आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम इसके इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स.